हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई एम सूरज तिवारी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ श्रमिक संख्या तथा द्विघात समीकरण, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्लास 11 से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर। इसमें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। देखो ये चैप्टर क्या होता है ना, आपको IIT JEE मेंस में भी मिलेंगे, NDA एग्जाम में भी मिलेंगे, एयरफोर्स आप कर रहे हो उसमें भी मिलेंगे। यानी कि जो भी हम कंपिटेटिव एग्जाम देते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगर अप्लाइड मैथ है तो उसमें एक क्वेश्चन आपका आएगा। अच्छा, तो इस चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है आपके लिए। अच्छा, ये चैप्टर क्या होता है ना, बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। रीजन क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में छोटी छोटी बातों को हमें याद रखना पड़ता है और छोटी छोटी बातों पर ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। तो अगर बेसिक हमारा क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन करने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए आज हम इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होता है, एक छोटा टॉपिक है इसका आयोटा। आयोटा का वीडियो हमने एक आपको फर्स्ट पार्ट में हमने एक इसका अलग वीडियो बना दिया है। आयोटा का एक वीडियो बनाया था जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक रखा हुआ है। जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, पहले डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को एक बार वो देख लें, फिर ये वीडियो स्टार्ट करें, एकदम आपको भन्नाट तरीके से समझ में आएगा। चलिए फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की है ना, आओ। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है श्रमिक संख्या, तो हम जानेंगे एक श्रमिश्र संख्या क्या होती है। श्रमिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड जेड इज इक्वल टू होता है ए प्लस आई बी, जहां जो ए बी होते हैं बिलोंग्स टू आर। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू होता है ए प्लस आई बी, जहां ए और बी जो दोनों नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होती है। कि श्रमिक संख्या को हम जेड से डिनोट करते हैं, इसे हम ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं, और ए जहां पर ए और बी क्या है, ए वास्तविक संख्या है। इतना क्लियर हुआ कि श्रमिक संख्या को हम जेड से डिनोट करते हैं और किस फॉर्म में लिखा जाता है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में, जहां ए और बी क्या होते हैं, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या होती है। अगर इनकी डिफिनेशन बात करें तो होता क्या है कि ऐसी दो वास्तविक संख्या, मान लेते हैं कि किन्हीं दो वास्तविक संख्या ए और बी के लिए अगर हम उन्हें ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स जो नंबर मिलेगा उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि श्रमिक संख्या कहते हैं। जहां जो ए है, ए को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट पार्ट ऑफ जेड, क्लियर। बी को हम क्या बोलते हैं, देखो जो आपका आयोटा जिसमें नहीं लगा है, इस वाले को हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड, और जिसके साथ आयोटा लगा है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, क्लियर। यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, जेड का वास्तविक भाग, जेड का वास्तविक भाग, और इसको बोलते हैं जेड का काल्पनिक भाग। बात समझ में आ गई। यानी कि अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में कोई नंबर लिखा है तो हम a को क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ z यानी कि z का वास्तविक भाग, और b को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी कि z का काल्पनिक भाग। बात इतना समझ में आ गया। इसे हम क्या करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z यानी कि r e इज इक्वल r e z से, r e z का मतलब क्या, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू कितना आपका a, इसे आर ई जेड से डिनोट करते हैं, इसे आई एम जेड से डिनोट करते हैं, जिसे हम पढ़ते क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो आर ई को पढ़ेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड और आई एम जेड को क्या पढ़ेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जरा इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट ऑफ जेड है वो क्या है, ए है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, बी है। इतना क्लियर हुआ कि ए को हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड, और बी को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इतना आपको समझ में आया, पूरा समझ में आने वाला है, थोड़ा सा देखते चलिएगा।
सर एक क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल बता दीजिए, थोड़ा मजा आ जाए ना। तो चलिए देखते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले रहा हूं कि जेड इज इक्वल टू टू माइनस का थ्री आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं आपसे पूछूं कि इसका रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, तो बोलोगे सर देखिए इसके साथ आयोटा नहीं लगाए थे, क्या होगा रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया आपका टू। और हमेशा जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहां पर जो मेरा बी होगा वो क्या होगा माइनस का थ्री। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया माइनस का थ्री। यानी कि क्या बोलेंगे, टू क्या होगा आपका रियल पार्ट ऑफ जेड और थ्री क्या होगा माइनस के इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन लिखता हूं। तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन यहां पे शो करते हैं। बच्चों देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के में डिफिनेशन क्या लिखा कि यदि ए और बी कोई दो वास्तविक संख्या है तो ए प्लस आई बी के रूप की संख्या को हम क्या बोलेंगे, श्रमिक संख्या कहते हैं। और श्रमिक संख्या को हम जेड से डिनोट करते हैं कि अगर सपोज करेंगे श्रमिक संख्या को हम जेड से डिनोट करेंगे, अगर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए को क्या बोलेंगे, जेड का वास्तविक भाग यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड ए होगा, जेड का काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा बी होगा। क्लियर। अब इसके आगे हम सीखते हैं कि शुद्ध वास्तविक तथा शुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला टॉपिक क्या है कि शुद्ध वास्तविक तथा शुद्ध काल्पनिक श्रमिक संख्या यानी कि कोई नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा या इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा, इन बात पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। देखो सपोज करते हैं कि जेड ए प्लस आई बी के फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगी वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। क्लियर। अगर रियल पार्ट ऑफ जेड है तो जेड क्या होगा शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी। अब बात करते हैं अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जीरो है तो क्या होगी, शुद्ध वास्तविक संख्या होगी। ये चीज समझ में आ गया। मैं एक बार यहां पर डिफिनेशन लिख करके फिर से आपको इस बात को रिपीट कर देंगे। तो चलिए इसका डिफिनेशन मैं यहां पर लिख देता हूं, आप काल्पनिक संख्या। तो हमने क्या बताया, एक श्रमिक संख्या शुद्ध वास्तविक संख्या कहलाती है, यानी कि एक श्रमिक संख्या होगी और शुद्ध वास्तविक संख्या कब होगी, जब उसका काल्पनिक भाग क्या होगा शून्य होगा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसका अपोजिट एक श्रमिक संख्या शुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाती है यदि उसका वास्तविक भाग क्या है शून्य है, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो। अगर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में कोई नंबर लिखा है, अगर इसका रियल पार्ट क्या है जीरो, तो जो नंबर होगा वो क्या होगा प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है उसका जीरो, तो जो नंबर होगा वो क्या होगा प्योरली रियल नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं आपको लिख दू टू प्लस जीरो आयोटा। देखो जीरो आयोटा का मतलब पूरा नंबर क्या होगा जीरो, बचा क्या टू, ये क्या है प्योरली रियल नंबर है। आपको लिखा जाए रूट थ्री माइनस का टू आयोटा, ये सॉरी जीरो आयोटा। अब देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो और बचा रूट थ्री क्या आपका प्योरली रियल नंबर, यानी कि अगर इमेजिनरी पार्ट उसका जीरो है तो नंबर क्या होगा आपका प्योरली रियल नंबर, यानी कि शुद्ध वास्तविक संख्या होगी। क्लियर। इसका अपोजिट इसमें देखते हैं
कि कोई संख्या शुद्ध काल्पनिक संख्या कब होगी, अगर उसका रियल पार्ट क्या है, जीरो है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लिखता हूं, सपोज करते हैं जेड इज इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको लिख दिया जाए, जीरो प्लस टू आयोटा। क्लियर? अब जीरो का मतलब कुछ नहीं, जब इसको जीरो में आप ऐड करोगे तो बचेगा क्या, टू एओटा आएगा। टू एओटा क्या है, एक प्योरली कॉम्प्लेक्स, सॉरी प्योरली रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर है। सेकंड दिया जाए थ्री प्लस फोर, थ्री क्या लिखेंगे, जीरो प्लस रूट टू आयोटा, ये भी क्या हो गया, एक काल्पनिक संख्या हो गई, शुद्ध काल्पनिक संख्या। तो आपको यहां तक उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर से एक बार मैं इसका रिवीजन ले लेते हैं कि एक वास्तविक संख्या है, आपको एक काल्पनिक, सॉरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ए कॉम्प्लेक्स नंबर शुद्ध वास्तविक संख्या कब होगा, जब इसका रियल पार्ट ऑफ, सॉरी शुद्ध वास्तविक कब होगा, जब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो। और शुद्ध काल्पनिक कब होगा, जब रियल पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर? इतना था। एक छोटा सा ट्विस्ट आप जान लीजिए, सपोज करते हैं नोट पॉइंट में याद करने की बातें, इसको आप दिमाग में रखना, अगर जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आयोटा दे दिया जाए, यानी कि जिसका रियल पार्ट भी जीरो हो और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो हो, तो वो संख्या शुद्ध वास्तविक संख्या और शुद्ध काल्पनिक संख्या दोनों होती है। ये संख्या क्या है, शुद्ध वास्तविक संख्या भी है और शुद्ध काल्पनिक संख्या भी है। किस लिए है सर, देखो क्योंकि ना इसका यार रियल पार्ट जेड क्या है, जीरो है। जब रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो, तो संख्या क्या होगी, शुद्ध काल्पनिक संख्या। और इसका इमेजिनरी पार्ट जेड भी क्या है, जीरो है, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या हो गया, शुद्ध वास्तविक होगी। तो ए संख्या जो है शुद्ध वास्तविक संख्या भी है और शुद्ध काल्पनिक संख्या भी है। क्लियर? अब इसके बाद हम सीखते हैं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम बढ़ते हैं अपने आगे की टॉपिक की ओर। दो श्रमिक संख्याओं की समानता, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? अब हम सपोज करते हैं कि जेड वन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, जेड वन इज इक्वल टू ए वन प्लस आयोटा बी वन, तथा जेड टू इज इक्वल टू ए टू प्लस आयोटा बी टू। समझिएगा, सपोज करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है, एक है जेड वन इज इक्वल टू ए वन प्लस आयोटा बी वन, दूसरा है जेड टू इज इक्वल टू ए टू प्लस आयोटा बी टू। अब मैं बात करता हूं कि जेड वन इज इक्वल टू जेड टू कब होगा, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे जब ए वन इज इक्वल टू क्या हो, ए टू, तथा बी वन इज इक्वल टू बी टू हो। यानी कि ए वन इज इक्वल टू ए टू एंड बी वन इज इक्वल टू बी टू। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात कि रियल पार्ट ऑफ जेड वन बराबर हो रियल पार्ट ऑफ जेड टू के, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन इज इक्वल टू हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू के। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर समान कब होंगी, जब उसका रियल पार्ट, देखो रियल पार्ट ऑफ जेड वन इज इक्वल टू हो रियल पार्ट ऑफ जेड टू, यानी कि दोनों श्रमिक संख्या, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का, दोनों श्रमिक संख्याओं का वास्तविक भाग बराबर हो और दोनों श्रमिक संख्याओं का काल्पनिक भाग बराबर हो, तब दोनों संख्याएं क्या होंगी, समान कॉम्प्लेक्स नंबर होंगी। क्लियर? बात समझ में आ गई। अब इसकी डिफिनेशन हम लिख लेते हैं, तो ये बात मैं आपको नीचे बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो आपको समझ में आए, देखो किसी चीज को मान लीजिए हम लैंग्वेज लिख देंगे, लैंग्वेज लिखने के बाद आपको समझाएंगे तब भी समझ में आएगा, एक बार समझ के लैंग्वेज पढ़ के फिर से समझना, 100% समझ में आएगा। चलिए देखते हैं,
z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 तथा z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2। चलिए बच्चों तो देखते हैं, दो श्रमिक संख्या z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 तथा z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2 समान होती हैं यदि a1 इज इक्वल टू a2 तथा b1 इज इक्वल टू b2। यानी कि अर्थात हम समझ इसके लिए हमने समझा क्या कि रियल पार्ट ऑफ z1 बराबर होगा किसके, रियल पार्ट ऑफ z2 के, तथा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के। क्लियर? यहां पर चलो कुछ क्वेश्चन मैंने लिखा था, ये थोड़ा इरेज हो गया, मैं फिर से लिख देता हूं। तो अब इसके बेस पे क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, पूछेगा जैसे कि यदि z1 इज इक्वल टू 3 माइनस y आयोटा तथा z2 इज इक्वल टू x माइनस 2 आयोटा, दो समान श्रमिक संख्या है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? अब अगर ये दोनों संख्याएं आपको जो दी गई श्रमिक संख्या वो समान है, यानी कि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और दोनों बोला है समान है, जब दोनों श्रमिक संख्याएं समान है तो आपसे एक्स वाई का मान पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि z1 इज इक्वल टू आपको जो दिया है कितना दिया आपका 3 माइनस का एक्स वाई, और z2 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका एक्स माइनस का 2 आयोटा। क्लियर? अगर z1 z2 इक्वल है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना कर लेंगे। क्लियर? अगर z1 इज इक्वल टू कितना आपका z2 इंप्लाइज दैट क्या होगा आपका, ये भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, यानी कि रियल पार्ट ऑफ क्या होगा आपका, रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू होगा रियल पार्ट ऑफ z2 के, तथा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के। तुलना कराओ, यानी कि जो z1 का रियल पार्ट क्या हो गया आपका 3 इज इक्वल टू, z2 का रियल पार्ट क्या हो गया आपका x, तथा z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया आपका देखो माइनस का y, और z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया माइनस का 2 हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, यानी कि x इज इक्वल टू 3 आ गया तथा y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 आ गया। तो दो श्रमिक संख्याएं समान कब होंगी, जब उनका रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू क्या हो, रियल पार्ट ऑफ z2, तथा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, दोनों श्रमिक संख्याएं क्या होंगी समान होंगी।